जी मिंटू पापा के एक दोस्त रहे शमशेर बहादुर, बचपन के बड़े घनिष्ठ संबंध रहे, पारिवारिक मित्र रहे। बाद में शमशेर बहादुर भैया गोवा में बस गए। तो एक दिन शमशेर बहादुर भैया का फोन आवा कि बंधु, हमारा जो छोटा वाला लड़का है वो जो है गवा रहे विदेश पढ़ाई करे, हुए शादी कर ली, से पहली बार इंडिया आए रहा है, तो तुम्हारा एक बहुत जरूरी है, केवल खास खास लोगन का बुलाएन है, कुछ अच्छे मित्र हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं। तो यहो कहें कि नहीं नहीं हम जरूर आई बे। तो फिर ये हमसे कहें गोवा चले तैयारी करो और दुल्हन के लिए कुछ खरीद ले। तो हम जैसे खूब बढ़िया बनारसी साड़ी, सोने का सेट गले का रहे, कान का रहे हैं, और लेदर का पर्स कानपुर का मशहूर सब रखें दुल्हन के लिए। और एक के बाद हम लोग पहुँचे गोवा। तो शमशेर बहादुर भैया, ये लोग सैम सैम कहते हैं उनका, तो सैम भैया बाहर मिल गए, तो हम लोग बधाई वधाई दी हैं। फिर वो हमसे कहें नहीं चलो अब स्टेज पे चला जाए। तो हुआ गए तो भैया हम तो पहले दंग रह गए। तब तक शमशेर बहादुर भैया बोले कि ये देखो ये हमारे पिंकू हैं और ये हैं पीटर। तो हम कहें अरे ये का लड़के का लड़की से। तब तक मिंटू पापा हमारे हाथ दबाए दिए, अरे चिच्ची हम जो सामान ले गए सब हुआ ही गिर गवा, हम बेहोश हो गए। तब तक मिंटू पापा की आवाज़ हमारे कानन में पड़ी कि अरे इतनी दूर कानपुर से आ रही, शुगर लो हो गई, बेहोश हो गई।